नमस्कार। आज हम बनाएंगे स्पाइसी स्प्राउट्स। जी हाँ, हमने स्प्राउट्स लिए हैं। ये मूंग दाल के स्प्राउट्स हैं जो 1.5 कप हमने सोक किया। सोक करके फिर उसे एक जगह गर्म जगह पे, गर्म इन द सेंस जहाँ पे वार्म्थ है वहां पे रख दिया ताकि वो अपने आप धीरे धीरे स्प्राउट होते जाए। इसे बनाने के लिए हमने कुछ इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं जो आपके सामने है। वो है प्याज, कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची, आधा नींबू लिया है। देन आई हैव ग्रेटेड कैरेट्स, उसके पास में ही रखे हुए हैं। मैंने कैरी ली हुई है, कैरी के अंदर का पल्प लिया हुआ है जिसे छोटे छोटे टुकड़े कर रखे हैं। गार्निशिंग के लिए मैंने लिए हैं मसाला नट्स लिए हैं, मसाला सेव लिया है और थोड़ा सा धनिया। हम थोड़ा सा इसे स्प्राउट्स को पकाएंगे, नॉट फुली लेकिन हल्का सा सौते कर लेंगे। चलिए देखते हैं। हमने तेल लिया है, रफली 1 स्पून लिया है और इसमें हम थोड़ी सी उड़द दाल डाल रही हूँ। फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा। इसी के साथ थोड़ी सी राई और साथ ही में थोड़ा सा जीरा। अब हम ले लेंगे हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और प्याज, सभी एक साथ डाल देंगे। इसे भी हमें ज्यादा कुक नहीं करना है, बस हल्का सा कलर चेंज कर लेंगे और जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। अब इसमें हम डालने वाले हैं थोड़ी सी हींग, स्पाइसी कहा है तो फिर लाल मिर्च डालनी होगी, गरम मसाला वो भी 1 चम्मच, हल्की सी हल्दी जस्ट 1/4 कप है, 1.5 कप स्प्राउट्स है तो 1.5 स्पून नमक भी लगेगा। साथ ही में हम थोड़ा सा इस वक्त के लिए थोड़ा सा डाल रहे हैं, दैट इज 1/4 स्पून चाट मसाला। इसे मैंने अभी पूरा स्लो कर दिया है। अब मैं डालने जा रही हूँ स्प्राउट्स। आधा नींबू जो हमने लिया था वो डाल दिया है, थोड़े से नट्स डालूंगी इसमें, थोड़ी सी कैरी जैसे मैंने कहा था और साथ ही में हमने गाजर ली है, ग्रेट करके रखी हुई है, ये 1/2 इस वक्त डालूंगी, फिर थोड़ा सा ऊपर डालना पड़ेगा। इसे अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये मिक्स हो गया है। अब ये स्प्राउट्स हैं तो इसमें अपना एक मॉइस्चर रहेगा तो इसके लिए हम इसे 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे, रहने देंगे और ढक देंगे, स्लो आंच में 2-3 मिनट के लिए पका देंगे। आप देखेंगे इसमें पानी अब नहीं है। अब हम इसे निकालेंगे एक बाउल में और ऊपर से इसे गार्निश कर देंगे, थोड़ा सा धनिया। गैस बंद कर रही हूँ। हमने एक बाउल में स्प्राउट्स डाल दिए हैं। अब इसे ऊपर से हम थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं। सबसे पहले मैंने ली है कैरेट्स जिसे ग्रेट किया हुआ है। अब मैं ले रही हूं कैरी, रॉ मैंगो, उसे बहुत छोटे छोटे पीसेस में काटा हुआ है और साथ ही में मैं ले रही हूं थोड़े से नट्स। ये सब हो रहा है बच्चों के लिए क्योंकि उनको अगर इसी तरह से हम देंगे वो कभी नहीं खाएंगे, लेकिन थोड़ा स्पाइसी चटपटा मजेदार बना देंगे तो सब चट कर जाएंगे। साथ ही में थोड़ा सा धनिया। लीजिए हमारी डिश तैयार है। हल्का सा चाट मसाला,
ये बहुत ही एंटाइसिंग है, टेम्पटिंग है, फटाक से खाने के लिए बच्चे भाग कर आएंगे। जो स्प्राउट्स नहीं पसंद करते वो भी पसंद करने लग जाएंगे। बहुत ही सिंपल, इजी, फटाफट बनने वाली डिश स्पाइसी स्प्राउट्स। आप इसे दही के साथ लीजिए या बिना दही के लीजिए, आप जैसे पसंद करें वैसे ले सकते हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।